हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे वाटर डिस्पेंसर की। वाटर डिस्पेंसर हम ज़्यादातर जो यूज़ करते हैं रूम्स में, कोई ट्यूशन सेंटर है, ट्यूशन सेंटर में हम यूज़ करते हैं, कॉर्पोरेट में, ऑफिस वगैरह में हम वाटर डिस्पेंसर को यूज़ कर सकते हैं। अगर हम इसमें बात करते हैं तो हमारे पास आपको जो मिल जाएंगे, टेबल टॉप मिल जाएगा और फ्रीजर के साथ भी मिल जाएंगे आपको। तो दोस्तों, आपको मेरे पास मिल जाएगा ब्लू स्टार, वोल्टास और अटलांटिस का, ये तीनों मेरे पास आपको वाटर डिस्पेंसर मिल जाएंगे। तो दोस्तों, आज हम वाटर डिस्पेंसर के बारे में आज हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लू स्टार के वाटर डिस्पेंसर की। तो इसको किस तरह से हमें यूज़ करना चाहिए और कहाँ कहाँ हम इस प्रोडक्ट को यूज़ कर सकते हैं, तो इस वीडियो में आज इस बारे में हम बात करने वाले हैं। तो सबसे पहले अगर हम देखेंगे तो ये 20 लीटर का जो जार आ जाता है, जो वाटर बॉटल आ जाती है, हम इजीली उसको स्टोर करेंगे। और अगर हम देखेंगे तो इसमें हमें तीन ऑप्शन इसके अंदर देखने के लिए मिल जाएंगे, एक हॉट का आ जाएगा, नॉर्मल और कोल्ड का। अगर हम इसकी स्टोरेज की बात करते हैं तो 3 लीटर का इसमें आपको स्टोरेज मिल जाएगा, जिसमें 1 लीटर आपको हॉट वाटर मिलेगा और 2 लीटर कंटिन्यूसली आपको कोल्ड वाटर मिलेगा। और नॉर्मल आप नॉर्मल भी ले सकते हैं। नॉर्मल हम इस प्रोडक्ट को हम अपने घर के अंदर भी यूज़ कर सकते हैं। अगर आपको मिनी वाला लेंगे, क्योंकि इसमें 2 तरह के आते हैं, ये तो हमारा फ्रीजर के साथ में रहेगा, एक मिनी वाटर डिस्पेंसर भी आता है, वो भी यूज़ कर सकते हैं दोस्तों इसके अंदर। तो दोस्तों, ये सारी चीज़ें इसके अंदर मिल जाती हैं। अगर हम देखते हैं तो लॉक, ये जो बटन होता है हमारा हॉट वाटर वाला, ये लॉक्ड होता है। ये बटन हम जब तक हम प्रेस नहीं करेंगे, जब तक इसमें से हॉट वाटर नीचे नहीं आएगा। तो इसमें चाइल्ड लॉक भी आपको मिल जाएगा, नॉर्मल में आपको नॉर्मल वाटर मिल जाएगा, कोल्ड बटन हम प्रेस करेंगे नॉर्मल इसमें आपको कोल्ड वाटर भी मिल जाएगा। इसमें तीनों इंडिकेटिंग मिल जाएंगी आपको, जैसे आपका ऑन होगा वाटर डिस्पेंसर, ऑन ऑफ का इसमें इंडिकेट मिल जाएगा आपको। हॉट वाटर जब हम चालू करेंगे, इसमें ना 2 बटन दिए होते हैं बैक साइड में, मैं आपको दोस्तों दिखा भी देता हूँ। इसमें ये बैक साइड मिल जाएगी, इसमें बैक साइड में हॉट वाटर के लिए रेड वाला होता है, जब तक हम इसे ऑन नहीं करेंगे, जब तक इसका हीटर चालू नहीं होगा, ना कि कोल्ड वाटर चालू होगा। जब तक हम ये दोनों बटन का यूज़ नहीं करेंगे, जब तक आपका डिस्पेंसर ऑन होने के बाद भी आपका प्यूरीफाई करना स्टार्ट नहीं करेगा, जब तक वाटर डिस्पेंसर नॉर्मल की तरह ही काम करता रहेगा। जैसे हम बैक साइड से हम प्रेस करके चालू कर देंगे, तुरंत ये चालू हो जाएगा। अगर हम देखते हैं इसके अंदर, तो हमें मिल जाता है एक मिनी रेफ्रिजरेटर, जिसमें आप इस कूलिंग कैबिनेट के अंदर आप दूध दही वगैरह भी आप इसके स्टोर कर सकते हैं। तो इन सभी को आप जो यूज़ कर सकते, जैसे कॉल सेंटर है, ट्यूशन सेंटर है, क्योंकि वहाँ ना बच्चों की क्वांटिटी बहुत ज़्यादा होती है, तो हमें वहाँ ठंडे पानी की ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है, तो वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं, ये परफेक्टली वर्क करेगा वहाँ पे। तो तीनों मेरे पास आपको ब्रांड मिल जाएंगे, जैसे ब्लू स्टार, वोल्टास, अटलांटिस, तीनों का लुकिंग ऑलमोस्ट सेम रहेगी। तीनों ये पीस जो मेरे पास डिस्प्लेड हैं, तीनों कूलिंग कैबिनेट के साथ में दोस्तों मिल जाएंगे। इसमें हम बात करते हैं अगर ब्लू स्टार की पर्टिकुलर, तो इस तरह के मॉडल के अंदर आपको पानी की वेस्टेज बहुत कम मिलेगी, क्योंकि आप इसके बटन को जब तक आप प्रेस करके रखेंगे, जब तक आपको पानी कंटिन्यूसली मिलता रहेगा। जैसे ही आप अपने से फिंगर हटा लेंगे तो पानी बंद हो जाएगा, सेम आपका वोल्टास वर्क करेगा। वहीं हम अटलांटिस की बात करते हैं, तो अटलांटिस में क्या है ना, जैसे आप इसकी नोब को ऊपर की तरफ कर देंगे तो पानी कंटिन्यूसली आता ही रहेगा, तो इसमें थोड़ी वेस्टेज वगैरह भी ज़्यादा रहेगी कंपेयर देन वोल्टास और ब्लू स्टार की लुकिंग की तरह। अटलांटिस में भी वोल्टास ब्लू स्टार की तरह की लुकिंग में आते हैं, तो आप अटलांटिस का वो वाला मॉडल परचेज कर सकते हैं, थोड़ा अच्छा रहेगा। वहीं हम बात करते हैं इसकी वारंटी की, तो दोस्तों इन सभी की जो वारंटी रहती है, 1 साल की कंप्लीट वारंटी रहेगी। और ये इक्विपमेंट इस तरह का है कि इनमें कभी कोई परेशानी जल्दी से आती नहीं है, बस इनकी आप सर्विसिंग टाइम से कराते रहो, यानी कि आप इनको क्लीन वगैरह अच्छे से रखो, तो इनमें कोई परेशानी लॉन्ग टाइम तक भी कहीं से कहीं तक कोई परेशानी नहीं आएगी। मैं आपको दिखा देता हूँ कि कहाँ से आप इसकी सर्विसिंग वगैरह, आप ना खुद भी इसकी सर्विसिंग वगैरह खुद भी कर सकते हैं। ये जो इसके अंदर ऊपर रहेगा, आप इसे ओपन करेंगे, ग्लास आ जाएगा, स्टेनलेस स्टील के अंदर इसका ग्लास होता है, आप उसे इजी टू क्लीन कर सकते हैं। और ये प्रोडक्ट आप कहीं भी रख सकते हैं, क्योंकि साइड में दोनों तरफ ना इसके अंदर हैंडल होता है, तो दोस्तों इस तरीके से आप खुद भी इसको क्लीन कर सकते हैं। ये स्टेनलेस स्टील के अंदर ग्लास लगा हुआ होता है, आप नॉर्मली इसे ओपन करेंगे, यहाँ से क्लीन करेंगे, क्योंकि डस्ट वगैरह भी इसके अंदर आ जाती है, तो उसकी वजह से थोड़ी सी परेशानी आ जाती है, तो आप इसको खुद भी आप इसको क्लीन कर सकते हैं। आप इन प्रोडक्टों को इस तरह से यूज कर सकते हैं। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अगर वीडियो आप पहली बार देख रहे हैं, वीडियो को लाइक जरूर करें। थैंक यू।